हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और इसके अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3, वो है रिलेशन। सो रिलेशन क्या है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। देखो, ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन है। ओके, रिलेशन को हम डिनोटेट करते हैं आर से। आर इज अ सबसेट ऑफ क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन दी सेट ए एंड बी, ए क्रॉस बी। ओके, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी पेयर बनेगी उनका जो सेट बनेगा ऑर्डर पेयर का, वो होगा हमारा रिलेशन आर। और ये जो है लिखा है यहाँ पे, देखिए एक्स आर वाई, उसका मतलब क्या होता है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, और इस तरह से लिखा होता है ना, आर के ऊपर इस तरह से क्रॉस किया होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू वाई। यानी, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये टॉपिक, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, एंड देन देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर इनवर्स रिलेशन के बारे में। गेटिंग, और उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन, उसमें हमने डिस्कस किया था, देखिए ये 4, वन वन रिलेशन किसको बोलते हैं, वन मैनी, मैनी वन, एंड मैनी मैनी रिलेशन किसको बोलते हैं, तो वो आपको ये समझना है, तो आप प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में आज हम क्या देखेंगे, वैसे बहुत सारे टाइप के रिलेशन होते हैं, गेटिंग, सो वही आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसमें जो पहला है वो है सी, वॉइड रिलेशन। गेटिंग, वॉइड रिलेशन उसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। सो एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है कि जो सेट ए एंड सेट बी दिया है, उसका मतलब आप रिलेशन फाइंड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ओके, कोई ऐसी ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा ही नहीं, रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, राइट। तो वो रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन, या बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, और उसको डिनोटेट करते हैं फाइ से। ओके, तो चलिए तो हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो क्या लिखा है बुक में, सी, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन इफ आर इक्वल टू फाइ। यानी मतलब रिलेशन जो है वो हमारा एम्प्टी आ जाएगा। यहाँ पे एक दिया है एग्जांपल, सी, सेट ए दिया है 6, 8 एंड 10, बी जो है वो है 7, 11 एंड 13। सो हम लिख सकते हैं ना कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो आर, एक एग्जांपल में आर को डिफाइन क्या किया है रिलेशन को, देखिए आर एक्स डिवाइड वाई सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। उसका मतलब क्या होता है, एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, मतलब ये 6, 8 एंड 10, एंड वाई बिलोंग्स टू बी मीन्स वाई जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। तो आप आर फाइंड करोगे इनके लिए, ये रिलेशन के लिए, राइट। तो आपको कोई भी ऐसी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगी कि जो ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करती है, गेटिंग। तो एंटायर जो है आपका रो आर जो है रिलेशन वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वॉइड रिलेशन। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से। सी, एम्प्टी रिलेशन जिसको बोलते हैं, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सेट से ए क्या है मेरा 1, 2 एंड 3, एंड से सेट बी 4, 5 एंड 6। ओके, अब मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, क्या है कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। ओके, हियर एक्स इज बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। अब देखिए यहाँ पे आप एक्स माइनस वाई करोगे और इक्वल टू आंसर क्या आता है, 10 आता है। तो इनका जो आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, तो क्या क्या आएगा, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6। एक्स वाई की ऑर्डर पेयर करते हैं ना हम इस तरह से, तो
गेटिंग। उसके बाद क्या आएगा, ये 2 4 2 5 एंड 2 6, सेम 3 4 3 5 एंड 3 6, राइट। तो इनके लिए ये सारे जो एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर पैर जो आएगी रिलेशन के अंदर, उसमें से एक भी ऐसी पैर नहीं होगी एक्स वाई की कि ये जो है कंडीशन दी हुई है उनको वो सेटिस्फाइड करती है। एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा, यह एलिमेंट मीन्स ऑर्डर पैर नहीं आएगी कि आप एक्स माइनस वाई करो तो आपको 10 मिलता है। आप देखिए यहाँ पे 1 - 4 करिए, देन 1 - 5, 1 - 6 करिए, 2 - 4, आपका आंसर 10 आएगा ही नहीं किसी का भी। तो यहाँ पे जो है हमारा जो R है रिलेशन जो है इनके लिए वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी ही हो जाएगा गेटिंग। तो उसको बोलते हैं वॉइड या एम्प्टी रिलेशन, उसको डिनोटेट करते हैं फाई से। ओके, तो आई होप कि ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करते हैं अभी मूव होते हैं बुक के पेज पे और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। सो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, बुक में लिखा है लेट R be a relation on set A. R is a subset of A cross A. तो यहाँ पे जो है सेट, हम बोले कि A cross B हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उनका सबसेट जो है रिलेशन जो है सबसेट ये इनका होता है गेटिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो जो सेट A है और उनके बीच में ही करेंगे, B मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा A, इनके बीच में ही करेंगे, राइट। तो क्या होगा, तो जो R है रिलेशन उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, कब, इफ X X ऑर्डर पेयर जो है वो क्या है, X X बिलोंग्स टू R, मतलब रिलेशन के अंदर ये X X आना चाहिए। X क्या है, सेट A का एलिमेंट है, याद रखिएगा। सो जितने भी एलिमेंट होंगे उनके ही सेम वही वैल्यू के साथ, मतलब वही वैल्यू की पेयर होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू 2 होगी तो उसकी पैर 2 2 होनी चाहिए गेटिंग, और वही पैर हमारे रिलेशन में आनी चाहिए, तो हम रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन गेटिंग। तो चलिए आइडेंटिटी रिलेशन का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सी सेट a इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट b इक्वल टू 1 2 3, मैंने नाम b लिखा है, राइट। अब जो है रिलेशन जो है मैं बताता हूँ, सिंपल इस तरह से लिखता हूँ कि ए आर बी, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं या तो एक्स वाई के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो रिलेशन जो है मैं डिफाइन करता हूँ फ्रॉम ए टू बी क्या है, ए इक्वल टू बी, ये मैं करता हूँ। तो हमारा जो R है वो क्या हो जाएगा रिलेशन, देखिए A क्या है X, या तो मैं ऐसा बोल दूँ कि A इक्वल टू B की जगह पे मैं लिख देता हूँ X इक्वल टू Y, एंड हियर क्या है X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, सिंपल। अब देखिएगा ये दोनों सेम ही है, देखिए ये A एंड B दोनों, मतलब ये बी लिखा है लेकिन वो क्या है हमारे लिए ए ही है। तो इसके लिए जो ये एक्स इक्वल टू वाई का है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पहली कौन सी है, ए का एलिमेंट है, तो क्या है वन है, तो वो वाई से मतलब पैर बनाएगा, तो वाई भी क्या होगा सेम ही होगा, एक्स इक्वल टू वन तो एक्स वन है तो वाई भी क्या होगा वन। सिमिलरली बाद में क्या है एक्स की वैल्यू टू, तो वो टू के साथ पैर बनाएगा, और ये क्या है थ्री है तो ये थ्री के साथ पैर बनाएगा। देखो ये जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, तो x बिलोंग्स टू a के लिए एक्चुअली हमने क्या डेफिनेशन में लिखा, x कॉमा x, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो a की a के साथ ही है, लेकिन मैं आप कंफ्यूज नहीं होते, ओके कंफ्यूज आप हो जाओगे, उसके लिए मैंने क्या किया यहाँ पे a की जगह पे क्या लिख दिया है, b लिख दिया है गेटिंग। तो ये जो एलिमेंट है दोनों कैसे पैर में, ऑर्डर पैर में क्या आना चाहिए, सेम होने चाहिए, राइट। तो उनके जो रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम मूव होते हैं, नेक्स्ट जो है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। ओके,
ये बहुत इजी है। ये क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखिए, सेट ए एंड सेट बी के बीच में जो रिलेशन है उसको डिफाइन करते हैं हम ऐसे कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेड टू बी एन यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी। मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे सेट ए एंड बी के बीच में, और जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगी, वो सारी की सारी हमारे रिलेशन में होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे ये याद रखना है, R इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो हम सिंपली क्या करते हैं, सेट ए लेते हैं एक, सेट ए क्या है 1 2 3 एंड सेट बी क्या है 4 5। ओके, अब ये दोनों का हम क्या करेंगे? रिलेशन फाइंड करेंगे, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, वही रिलेशन हो जाएगा ना R। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? देखिए ये लिखा है R इक्वल टू 1 4, ओके 1 4, देन 1 5, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 2 4, देन 2 5 ये आ जाएगी, नेक्स्ट 3 4 एंड 3 5। तो जो सारे एलिमेंट्स आ गए, सारी जो ऑर्डर पेयर आ गई किसकी? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की, वही हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा, राइट। तो वो रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ओके चलिए, तो यही एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका का, ये जो है ना यूनिवर्सल रिलेशन, उनको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सी मैं लेता हूँ सेट ए 10 12 14 एंड से सेट बी इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब देखिए मैं एक आपको देता हूँ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, क्या है रिलेशन को डिफाइन करते हैं? एक्स माइनस वाई लेस देन 20। सो यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स बिलोंग टू सेट ए, मतलब एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, वाई जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। अब देखिए होता क्या है, अब मैं आर लिखता हूँ यहाँ पे, ये 10 एंड 1 के बीच में, राइट। तो ऑर्डर पे मैं लिखता हूँ 10, 1, ये एक्स वाई हो गया। अब 10 माइनस 1 करोगे, एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आंसर क्या आएगा? लेस देन 20 आएगा, 10 माइनस 1 9 होगा, तो 20 से तो लेस ही है, तो ये हमारा रिलेशन के अंदर आएगा। बाद में 10 माइनस 2 करेंगे, 10 2, तो 10 माइनस 2 वो भी हमारा आ जाएगा, देन 10 3 तो ये भी आ जाएगा, देन स्पेस कम है तो मैं क्या लिखता हूँ थोड़ा ऊपर से 12, 1 वो भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 12 माइनस 1 तो वो 11 आएगा, तो वो भी लेस देन 20 है, देन 12 2 12 3, बाद में क्या आ जाएगा 14, तो 14 1 देन 14 क्या आ जाएगा 2 देन 14, 3। तो ये जो सारे जो एलिमेंट है ना, ये किसके आए? एक्चुअली ये जो R है वो सारे एलिमेंट, आप ये सारे एलिमेंट जो आए ना रिलेशन के अंदर, सारे जो ऑर्डर पेयर जो आई, वो एक्चुअली क्या है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है सेट A एंड सेट B के। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो ये सारे ऑर्डर पेयर आएगी, और ये कंडीशन दी है हमें x माइनस वाई लेस देन 20, तो उनके लिए आप देखो कि x एंड ऑर्डर पेयर में आपको क्या करना है, उसका सब्ट्रैक्शन करना है x माइनस वाई, तो कितनी ऑर्डर पेयर का आंसर लेस देन 20 आता है? तो सारी के सारी ऑर्डर पेयर का आंसर क्या आता है? लेस देन 20 ही आता है। तो देखो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सेट ए एंड बी के बीच में, उसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट किस में आ गए? हमारा रिलेशन के अंदर आ गए, तो वो रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ठीक, ये थोड़ा आपको दिखेगा नहीं अच्छी तरह से, थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है, लेकिन आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया हो। ठीक।
तो इस तरह से आप यूनिवर्सल रिलेशन को आप डिफाइन कर सकते हो, और इस तरह से कोई एग्जांपल देके भी आप समझा सकते हो उनको, राइट? ओके, तो सी, आज हमने जो बेसिक थ्री जो रिलेशन है वो आज हमने देखे, कौन कौन से? वॉइड रिलेशन, दैट मीन्स एम्प्टी रिलेशन। अब रिलेशन कैसे होगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगी कि जो कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो भी एक्स सेट ए का एलिमेंट होगा, एक्स मतलब मान लो कि थ्री है तो वाई भी क्या होगा, दूसरे सेट का थ्री होगा, फोर है तो वो भी क्या होगा, फोर। मतलब ये ऑर्डर पेयर जो है उसमें जो एलिमेंट है वो कैसे रहेंगे, सेम। और उनका जो रिलेशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन मतलब हम सेट ए एंड बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और जितनी भी ऑर्डर पेयर मिलेगी वो सारी ऑर्डर पेयर हमारे किस में आ जाएगी, आर में, मतलब कि रिलेशन में। तो वो रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, तो ये बेसिक जो है ये तीन टॉपिक वो हमने देखा है, तो वो आपको अच्छी तरह से करना है। मैंने एक एक एग्जाम्पल भी बताया है आपको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे इजी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से हम ये बाइनरी रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट?